भरतपुर में वेर थाना इलाके के गांव बजोरा कला के मुखबिर की सूचना पर जयपुर के सीआईडी ने अचानक छापेमार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। छापेमार कार्रवाई के समय गांव में भारी पुलिस को देखकर एकदम गांव में हड़कंप मच गया। छापेमार कार्रवाई के समय मौका पाकर मुख्य आरोपी महेश धाकड़ मौके से भागने में कामयाब हुआ। पुलिस मुख्य आरोपी की पत्नी व गांजे के 10 कट्टों को लेकर वेर थाना पुलिस थाने पर आई और पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ वेर थाने में कार्रवाई की जा रही है। अभी जो कार्रवाई की है सर, किस संदर्भ में की है? बजेरा कला में सीआईडी सीबी पुलिस मुख्यालय से एक टीम आई, हमारे इंस्पेक्टर युद्ध निगम ने उन्होंने कोई सूचना के आधार पर वहाँ कार्रवाई की है और इसमें पुलिस लोकल पुलिस से इमदाद मांगे तो एसएचओ और मुझे भी सूचित किया गया, तो मैं और भुसावर एसएचओ भी मौके पहुँचे थे। वहाँ पर लगभग 200 किलो गांजा 8-10 कट्टे पकड़े गए। मुलजिम सर? मुलजिम अभी फरार है, महेश जो सरगना है पूरे उसका वो फरार है, बाकी इसमें फर्दर कार्रवाई की जा रही है। अभी उनमें से कोई और थोड़ी लिया आपने? नहीं, उसकी माँ को पूछताछ कर रहे हैं और एक ड्राइवर है उसको पूछताछ कर रहे हैं। उसकी ब्रिज गाड़ी को भी हमने लिया है और उसकी मोटरसाइकिल भी वहाँ से ली है। ब्रिज गाड़ी में 3 बोरे मिले हैं। इसमें कोई अफीम की भी जानकारी है क्या? नहीं, अफीम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, केवल अभी तो गांजा ही हमें मिला। तो इसमें सर एनडीपीएस एक्ट के तहत ही तो कर रहे हो? बिल्कुल, एनडीपीएस के तहत कर रहे हैं। जैसे कि पेन, उसमें क्या दंड का प्रावधान है? जैसे कि दंड का तो काफी प्रावधान है, इसे 10 साल से ऊपर सजा का प्रावधान है। ये जो मार्ग बरामद किया सर, कहाँ से मिला?